गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 3 से 4 महीने हो गए इन लड़कियों को बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, और आपने वीडियो भी देखा होगा कि मैंने 1 से 1.5 महीने पहले एक वीडियो क्लिप बनाया था जिसमें इनकी जो इनकम थी वो ये खुद बताएंगी, और आज ये उसी बिजनेस से घर बैठे माल बना के कंपनी को देकर के कितना पैसा कमा रही है आपके आंखों के सामने ये बताने वाला है। मैम आप इससे पहले कितना पैसा कमाते थे? 70,000। अब आपकी इनकम कितनी? 1.5 लाख रुपए। सिर्फ 1 महीने के अंदर इनकी बढ़ोतरी इतनी हुई है। मैम आप कितना कमाते थे पहले? 50,000। अभी कितना कमा रहे हैं? अराउंड एक लाख रुपए। मैम आप कितना कमाते थे पहले? 70,000। अभी कितना कमा रहे हैं? 1.25 लाख के करीब। ओके मैम आप कितना कमाते थे पहले? 1.5 लाख। 1 लाख? अच्छा पहले 1 लाख कमाते थे, आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अच्छा तो मैम आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? उदयपुर। जयपुर रॉयल सिटी। जयपुर रॉयल सिटी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये लोग सिर्फ कंपनी को बाई बैक करके, क्या कंपनी माल वापस लेती है? बिल्कुल लेती है सर। 100%? बिल्कुल। आपको कभी कोई दिक्कत आई? नहीं कोई दिक्कत कभी नहीं आई। माल कंपनी वापस लेती है बनाया हुआ? 100% सर। 100% आपसे लिया? बिल्कुल सर, हर बार लेती है। हर बार लेती है आप? सर डेली जाता है मेरा तो, रेगुलर रेगुलर जाता है। ट्रांसपोर्ट भी फ्री दे रही है कंपनी? ट्रांसपोर्ट फ्री दे रही है ना। कोई दिक्कत आई कभी भी? आज तक इन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने अपने ऑफिस के अंदर इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पर बुलाया कि एक बार आप आ जाएं, हमारे लोगों को जागरूक कर सके, और आप लोग भी हमारे ऑफिस जाकर के विजिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा बिजनेस है, किस तरीके से आप लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए की कमाई घर बैठे कर सकते हैं, वो भी कंपनी को सिर्फ माल बना करके आप लोगों को देना होता है। सिर्फ इतना काम आप लोगों को करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल फ्री रहता है। वीडियो के अंदर आप लोगों को A to Z जानकारी मिल जाएगी, एंड इसी के साथ में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को ये बोरे दिखाई दे रहे हैं, ये बोरे आप लोगों को मिलने वाले हैं, कच्चा माल आप लोगों को मिलेगा, बनाकर कंपनी को वापिस दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट दोनों साइड का आप लोगों का बिल्कुल फ्री रहता है। जैसा कि इस बोरे का वजन अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊं तो 50 kg वजन होता है एक बोरे के अंदर, और एक बोरे के अंदर जो कच्चा माल होता है इसे बनाने में आप लोगों का 4 घंटे का समय लगता है, और उस 4 घंटे के अंदर आप लोग 1,250 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 1,250 × 1,250 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 घंटे काम करते हो तो 3,000 के समथिंग आप लोग इस जो कच्चा माल आप लोगों को मिल रहा है इससे आप 3,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं, घर बैठे कमा सकते हैं, घर के छोटे से कमरे से बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, सारे लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। भारत देश के हर एक कोने से इस कंपनी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। हर एक बोरे से आप लोग अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक बोरे के अंदर 50 kg वेट होता है। कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसा कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, टेम्पो के अंदर ऑल ओवर इंडिया हमारा माल निकल करके जा रहा है जो कि यहाँ पर लोडेड है। इनकी इनवॉइसेज मेरे पास है, मैं इनवॉइसेज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि माल कहाँ निकल करके जा रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो रानौली सीकर राजस्थान के अंदर वहां पर निकल करके जा रहा है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये माल जा रहा है अहमदाबाद गुजरात के अंदर निकल करके जा रहा है। इसी तरीके से ये सतीश जी है जिनका माल निकल करके जा रहा है किशनगंज न्यू दिल्ली के अंदर निकल करके जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो मौसी उसामा जो कि मौलीपुर गुजरात से है, गुजरात के अंदर निकल करके जा रहा है। यहाँ पर अनिल कुमार जी हैं, इनका माल निकल करके जा रहा है बेगूसराय बिहार के अंदर निकल करके जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जो कि गंजम उड़ीसा के अंदर निकल करके जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मटेरियल है जयपुर राजस्थान के अंदर निकल करके जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि धुले महाराष्ट्र के अंदर ये मटेरियल निकल करके जा रहा है। अभी ये सिर्फ एक दिन के इनवॉइसेज है, एक दिन के अंदर ये सारा मटेरियल आप लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पर निकल करके जा रहा है। इसी तरीके से अब तक आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। किस तरीके से कितना बेनिफिट मिलेगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गाइस जैसे कि वजन करके आप लोगों को 250 ग्राम ये मटेरियल लेने का होता है, और इस तरीके से ये पाइप होता है, इस पाइप के अंदर इस मटेरियल को इंजेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मटेरियल अंदर इंजेक्ट हो गया है, लेकिन अभी इसको टाइट करने के लिए, झाड़ू को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जैसे कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अब ये हाथ से तो हमने पूरा टाइट कर दिया, लेकिन अगर हम इसे ठोक करके करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है मुड़ जाएगा और ये खराब हो जाएगा, जिससे पूरी पूरी झाड़ू आपकी वेस्टेज चली जाएगी। तो इसलिए इस मशीन की हमें जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस करके हम दिखाने वाले हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय के अंदर, मात्र 30 सेकंड के अंदर ये मटेरियल तैयार हो जाता है, लेकिन हमने तो फिर भी 1 मिनट कैलकुलेट करी है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में आपको 1 मिनट लग जाता है। देखिए इस तरीके से मटेरियल अंदर इंजेक्ट हो रहा है बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब कुछ नहीं करना, अब ये यहाँ से टाइट हो जाता है
टाइट होने के बाद में इसके अंदर आगे और पीछे दोनों साइड में कैप लग जाती है और आपकी झाड़ू प्रॉपर तरीके से मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। इस तरीके से जो ये कैप होता है ये आगे की साइड में लगाना जिससे कि सुंदर दिखे और पीछे भी एक कैप लगती है। आप लोगों ने झाड़ू तो खरीदी होगी, साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस होता है ये। आप देख सकते हैं कि हमारे जो झाड़ू है प्रॉपर तरीके से मार्केट में जाने के लिए रेडी है। इस तरीके से आपको झाड़ू बनानी होती है और कुछ नहीं करना होता है। कितने रुपए आपको एक झाड़ू पे मिलेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा। इस तरीके जो लकड़ियां होती हैं ये सारी लकड़ियां आप लोगों को मिलने वाली है। इस तरीके से जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं वो भी आप लोगों को मिलने वाला है। प्लास्टिक यानी स्टील दोनों पाइप्स के अंदर हम डील करते हैं। इस तरीके से जो झाड़ू होती है हमारे पास में मार्केट से निकल करके आती है। मैं उधर भी आप लोगों को और भी स्टॉक दिखा देता हूँ। स्टॉक की कमी नहीं है, हर रोज हमारे पास में कम से कम 10 से 20 हजार झाड़ू आती है और डेली बेस पे मार्केट में निकल करके जाती है। इस तरीके से देखिए ये मेटेरियल हमारे पास बाहर से आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये भी लखनऊ का मेटेरियल पड़ा हुआ है, उधर ये भरतपुर का मेटेरियल पड़ा हुआ है, इधर जयपुर का मेटेरियल पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना ज्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को यहाँ पर ये मेटेरियल दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे बनाना है, कंपनी को वापस देना है, सिंपल इतना काम आप लोगों को करना होता है। अब मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करके आप लोगों को ये बता देता हूँ कितना बेनिफिट आपको होता है। गाइज अब हम बात करने वाले हैं कि कितना क्या बेनिफिट आप लोगों को हो सकता है, रॉ मटेरियल किस तरीके से आपको मिलेगा, मशीन किस तरीके से मिलेगी। सबसे पहले तो मैं मशीन की बात करता हूँ, तो मशीन की जो कीमत होती है वो होती है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये की आपको मशीन मिलती है। अब एक झाड़ू को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जो मटेरियल होता है उसके अंदर हम घास की बात करते हैं, जो घास लगती है इसके अंदर वो घास इस तरीके की होती है, जैसे कि दिखाना मुझे घास, जो ये घास आप लोगों को दिखाई दे रही है इस घास की कीमत होती है 130 रुपये पर केजी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि घास के बाद में हमें इसके पीछे के पाइप की जरूरत पड़ती है। पाइप हमारे पास दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील के पाइप की, स्टील के पाइप, ठीक है। स्टील का जो पाइप होता है इसकी कीमत होती है 14.75 पैसे पर पीस, पर पीस होती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से स्टील का पाइप होता है, ये इसके साथ में कैप होती है, ये सभी चीजें इंक्लूड है और इंक्लूड जीएसटी की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिक का पाइप होता है, जो प्लास्टिक पाइप की बात करें, जैसे कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का पाइप, इसकी कीमत होगी 13.15 पैसे पर पीस, ठीक है, 13.15 पैसे पर पीस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसके लिए जो लकड़ी लगती है, बांस की लकड़ी की बात करते हैं, क्योंकि एक झाड़ू को बनाने के लिए बांस की लकड़ी की भी जरूरत पड़ती है। तो बांस की जो लकड़ी होती है इस तरीके से, तो ये लकड़ियां आप लोगों को मिलेगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये होती है 15 रुपए पर केजी, 1 किलो पे 15 रुपए। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है पाउच की, क्योंकि झाड़ू को पैक करने के लिए पाउच की जरूरत पड़ती है, तो वो पाउच की कीमत होती है 2 रुपए पर पीस, 1 पीस के 2 रुपए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से पाउच होता है, इस पाउच की कीमत ये होती है। अब ये आप लोगों को समझ आ रहा कि एक झाड़ू बनाने के लिए हमें इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब बात मैं करता हूँ कि एक झाड़ू बनाने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। एक झाड़ू बनाने पर आपको मिलेगा 5 रुपए, 5 रुपए एक झाड़ू बनाने पर मिलेगा। आप स्टार्टिंग टाइम में 1 मिनट में एक झाड़ू बना सकते हैं, 1 घंटे में आप लोग 60 झाड़ू बना सकते हैं। अगर आपने 1 घंटे में 60 झाड़ू बनाई तो आप लोगों की कमाई 300 रुपए हो गई, 300 रुपए। अगर मैं बात करूं 10 घंटे की तो 10 घंटे में आप लोग 3,000 रुपये कमा रहे हैं सिर्फ अपने घर बैठे, आपको कोई मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, 10 घंटे में 3,000 रुपये कमा रहे हैं। अब बात करता हूं कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन का होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। जैसे कि मान लीजिए ये तो है आप, ठीक है, और ये है कंपनी, कंपनी आपके पास माल भेजेगी तो ये होगा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, आपका 1 रुपये नहीं लग रहा। जब आप हमारे पास माल भेजेंगे तो जो मिनिमम 3 रुपये होता है, 3 रुपये तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज हम देंगे। मान लीजिए अगर आपका 4 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है तो 3 रुपये कंपनी देगी और 1 रुपये अगर आपका एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये आपका होगा, ये 1 रुपये आपका होगा और ये 3 रुपये कंपनी का होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये जो है ये 150 किलोमीटर से ऊपर के दायरे में होता है, क्योंकि 150 किलोमीटर के ऊपर के दायरे के लोगों का थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट ज्यादा लग जाता है,
बाकी इससे नीचे जो होते हैं उनका 3 रुपया 2 रुपए ऐसे कुछ करके लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आप ज्यादा दूर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर 3 रुपए से एक्स्ट्रा लगता है तो वो आपका होता है। ट्रांसपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने रेट आप लोगों को बता दिए, ये रेट आप लोगों को मिलने वाले हैं, हर एक चीज का मैंने आप लोगों को रेट बताया है, ट्रांसपोर्ट बताया है। अब आपको झाड़ू बनानी है, कंपनी को देनी है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं, छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं। विजिट करना चाहते हैं तो बैरोड राजस्थान के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, आप बैरोड राजस्थान के अंदर आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आप बैरोड राजस्थान नहीं आना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा डिस्टेंस के रहने वाले हैं, तो आपके घर तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की होती है। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में कंपनी का एड्रेस दिया गया, विजिट भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इसके अलावा और भी इनवॉइसेज भी दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता, 15 साल का कंपनी हमारी एग्रीमेंट करके देती है, 15 साल तक हम आपसे माल खरीदते हैं। ये इनवॉइसेज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये सभी इनवॉइसेज बाहर की है, जहां जहां पर हमारा माल गया है वो सारी इनवॉइसेज यहाँ पर पड़ी हुई है। वीआरएल ट्रांसपोर्ट से हमारी कंपनी मटेरियल भेजती है, ये सारे का सारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में अलग अलग रजिस्टर के अंदर हमारे सारी चीजें पड़ी हुई है। और ये इस तरीके से हमारे एग्रीमेंट्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता है, 15 साल तक का एग्रीमेंट होता है, कंप्लीट यहाँ पे सारी डिटेल्स होती है। तो आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं, फिर घर बैठे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैंने आप लोगों को बताया 55 रुपए का प्रोडक्ट 250 रुपए में बिक रहा है, तो आप यहां पर देख सकते हो अमेजोन की वेबसाइट मैंने खोल रखी है और यहां पर वही फूल झाड़ू है जिसकी कॉस्टिंग आप लोगों को बनाने पर मात्र 55 रुपए पड़ती है। आप यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपने प्रोडक्ट को यहां पर लिस्ट कर सकते हैं और यहां पर देखिए 250 रुपए की ये झाड़ू मार्केट के अंदर बिक रही है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, घर बैठे सेल कर सकते हैं, यहां पर कंपनी आपसे खुद मटेरियल लेकर के जाती है, आपको कहीं पर भी बाहर बेचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा, आप अपना अकाउंट यहां पर भी लिस्ट कर सकते हैं। अगर अपना अकाउंट लिस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जरूर करें, मैं इस चीज के लिए आपकी कंप्लीटली हेल्प करूंगा।